एक्स ऑन द टूथपेस्ट वाली एड मजा वाली है करने आ गया तू क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा यार कौन बंद करी दे है वो नीचे छटको भाई 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 सब भाई सब हाँ हाँ so what's going on people so I'm back again with a new video और आज ना मतलब मुझे पता चल ही गया कि मैं रोज व्लॉग किए बिना नहीं रह सकता मतलब अभी अपन बैठ के बात करते हैं तो आई गेस इट्स द फिफ्थ डे और मैं रोज़ एक अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में रोज़ मैं व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग किए बिना मुझे नींद नहीं आती सो यूट्यूब 2019 वी आर फकिंग ऑन तो मेरे पास थोड़ा दिन से ना तो कोई स्टोरी होती है ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए होता है लेकिन जब भी मैं अपना कैमरा निकाल के ट्राइपॉड पे लगा के सब कुछ फिक्स करके ऑन कर देता हूँ तो आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ आई एम फकिंग ऑन ये तो आज ना मतलब मैं बचपन की तरह चड्डी पहन के बस निकल पड़ा हूँ सही है एक और बात जो मैंने नोटिस की है ना यूट्यूब की कि जब आप फ्रीक्वेंट अपलोड करने लगते हो रोज़ एक एक या फिर अल्टरनेट डेज तो आपके व्यूज़ ऑटोमेटिकली अप जाते हैं आप यूट्यूब आपके वीडियोस और सजेस्ट करता है तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो ये बात मुझे समझने में बड़ी देरी हुई है लेकिन तुम ऐसे गलती मत करना डू फ्रीक्वेंट अपलोड्स ये भाई वाइड एंगल लेंस आज की सो एक बात मुझे तुमसे ये करनी थी कि बहुत दिनों से पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग मी एंड माय कंटेंट जो कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है मतलब लेट मी एक्सप्लेन विथ माय ओन एग्जांपल अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ मेरा पैशन ही कंटेंट क्रिएटिंग है मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और अगर लोगों को वो पसंद आता है दैन दैट्स अ वेरी गुड थिंग That makes me happy. और वो एक्चुअली स्टार्ट होना शुरू हो गया था नहीं वो स्टार्ट हो गया था हाँ तो मैं तुम्हें ना एक लाइफ में एक सीखने जैसी चीज़ बताता हूँ अगर तुम लाइफ में अपनी पैशन फॉलो कर रहे हो अगर कुछ चीज़ तुम्हें खुशी देती है अंदर से और अगर वो चीज़ तुम करते हो अगर तुम्हें कोई हेट मिलता है वो जो 12-13 चूतिए होते हैं ना उनकी बातों को इग्नोर मार दो क्योंकि हेटर्स का काम होता है ना वो खाली अटेंशन सीकिंग का होता है अगर तुम उनको अटेंशन दोगे तो उनका तो भैया काम ही हो जाएगा ना उनको तो तुम्हारी अटेंशन ही चाहिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए तो अगर लाइफ में तुम्हें कुछ पाना है ना तो उन चूतियों को भूल जाओ वो जो 2-3 लोग होते हैं ना वो जो तुम्हें हर चीज़ हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते उन लोगों को अपने दिल में बसा लेना और बस जो भी चीज़ तुम्हारी पैशन हो वो फॉलो करते रहना क्योंकि लाइफ इज़ एन एग्जाम बाय गॉड हिमसेल्फ और ज़्यादातर लोग ये भूल कर जाते हैं कि वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि लाइफ की गेम में सबके एग्जाम पेपर्स अलग अलग होते हैं तो जो कॉपी करेगा वो तो फेल होना ही होना तो ऑल आई वांटेड टू से इज दैट फॉलो योर ड्रीम्स फॉलो योर पैशन अगर वो जो स्टार्टिंग में तुम्हें हेट मिलना शुरू हो जाए ना अगर वो तुमने सह लिया और तुमने उसका सामना कर लिया
और उसको चीर के तुम अगर निकल गए ना तो यू हैव एस्ड द गेम ऑफ लाइफ, और उसके बाद ही जाके सक्सेस मिलेगी तुम्हें। और एक और बात जिसकी वजह से मैं आज खुश हूँ वो है कि आज भैया सभी का फेवरेट अपुन पिज़्ज़ा खाने का, सही है नहीं? आखिरी पिज़्ज़ा नहीं, असली वाला पिज़्ज़ा। खाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले बल्लू बन जाऊंगा। જ્યુસ પીવાની, કેરમ રમવાની, પિઝા ખાવાના, મજા આવી જાય.